बैठ जाएंगे सभी उष्ट्रासन के लिए। अब उष्ट्रासन ऐसे भी कर सकते हैं मैंने कहा, और जब कमर में बहुत अधिक दर्द हो जाता है, स्लिप डिस्क हो जाती है, ये रीढ़ की हड्डी के मणके अपने स्थान से खिसक जाते हैं, वापस लौट आते हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई ऐसा उपचार नहीं, तो वो तो ऐसे बैठ करके ऐसे ही कराना पड़ता है प्रारंभ में, इतना फिर इतना 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 धीरे धीरे। किसी भी कारण से कोई चोट लग जाती है, कुश्ती आदि करते हैं या कहीं से गिर जाते हैं, किसी भी कारण से कमर में दर्द है, तो उसके लिए ये उष्ट्रासन भी बहुत अच्छा है। मुझे स्वयं एक बार स्लिप डिस्क हुआ तो इसलिए मुझे पता है, और मैंने इसको ठीक किया। फिर ऐसे किसी भी तरह से कर लें, चाहे ऐसे धीरे धीरे हाथ ले आए, चाहे ऐसे हाथ ले आए, चाहे नीचे बैठ करके और ऐसे उठ जाए। पहले दिन तो 5-10 सेकंड ही हो पाता है कमर दर्द अधिक होने पर, धीरे धीरे इसका कालखंड बढ़ जाता है। फिर दाहिना हाथ छाती के ऊपर, बाएं उसके ऊपर, अर्धचंद्रासन आराम से बैठ जाते हैं। अब पैरों को सामने खोल लीजिए। कमर में अधिक दर्द होने पर आगे नहीं झुकते हैं, उससे गैप बढ़ जाता है वर्टिब्राज के अंदर, रीढ़ की हड्डी के जो मणके हैं उनके अंदर गैप आ जाता है, उससे दर्द और बढ़ जाता है। कई बार उसके दाएं बाएं की ओर की नसें दब जाती है,